डियर सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, आज हम सीएपीएफ 2019 जो रिटेन क्वालिफाइड हैं उनको और 2020 जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं या इस बार जिन्होंने मिस्टेक्स किए और जिसके कारण क्वालिफाई ना किए उनके लिए ये बहुत बेहद जरूरी है और आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे। सबसे पहले 2018 का हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो 2018 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो आपका फाइनल जो था 282 था, उसमें तीन कंपोनेंट्स दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो पेपर वन में है यानी कि 250 मार्क्स में, वो जनरल का 95.04 था और ओबीसी के लिए 93.66। बस हम ये दोनों को देखेंगे। और जो पेपर वन प्लस पेपर टू था ये 166 और 163। अब इसमें कंडीशंस ये था कि पेपर टू में जो है वो मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कोई 95.05 लाया और उसमें भी मिनिमम 50 तो वो क्वालिफाई फाइनली नहीं होगा। तो आपको दो क्राइटेरिया क्वालिफाई करना था। एक पेपर वन में, सबसे पहले पेपर वन का चेक किया जाता है, यदि पेपर वन में जो स्टैंडर्ड उन्होंने चेक ये सेट किया यानी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया उतना यदि आ गया है उसके बाद पेपर टू चेक होगा। और दोनों कंबाइंड में जिस अनुसार सीट्स होते हैं, जैसे लास्ट टाइम 466 टोटल वैकेंसी थे तो रिटर्न में उन्होंने 2950 रिजल्ट्स दिए थे रिटर्न में। तो डिपेंडिंग ऑन, जैसे इस बार सीट्स 323 है, जैसे 2019 का जो रिटर्न आया है तो रिटर्न का उन्होंने 2215 रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसी प्रकार पहले पेपर वन आपका चेक हो जाएगा, पेपर वन में यदि आप मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं क्वालिफाइंग, उसके बाद पेपर टू, और उन दोनों को कंबाइंड ये करके। अब देखो यदि किसी का 166 रिटर्न में आया था मिनिमम और वो क्वालिफाई था तो उसको इंटरव्यू में का डिफरेंस यदि 166 और 282 का डिफरेंस यदि आप देखोगे तो कितना आ जा रहा है 116, यानी और इंटरव्यू में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का आप लिस्ट देखोगे 2018 का, तो मैक्सिमम जो इंटरव्यू में दिया गया है 113 मिनिमम मैक्सिमम दिया गया है और मिनिमम 68 जो क्वालिफाई है। तो यानी जो 166 लाया है वो ऐसे भी क्वालिफाई फाइनल लिस्ट में नहीं आ सकता था। ये मैं कट ऑफ इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आगे हम कुछ मार्क्स भी दिखाएंगे कुछ कैंडिडेट्स को। उसमें से पांच कैंडिडेट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनको कि मैंने गाइडलाइंस दिया था इंटरव्यू से रिलेटेड और भी प्रिपरेशन जो भी जिन्हें करवाया था, तो उनके मार्क्स उसमें से दो, पांच में से दो सेलेक्टेड थे और तीन सेलेक्ट नहीं हुए। वो सेलेक्ट नहीं हुए उनके मार्क्स भी हम दिखाएंगे। तो ये कट ऑफ रहा 2018 का। अब हम यदि मार्क्स देखते हैं, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इसका आप यदि पेपर वन में देखोगे तो 93.66 जो है ये ओबीसी का कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ 95.04 था। अब देखो ये एग्जैक्ट कट ऑफ पेपर वन का है 93.66 और इसने 93.66 ही लाए हैं, और लेकिन पेपर टू में इसने 93 लाए तो इसके 187 हो गए और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में इसने 100 लाए तो 287। जनरल का कट ऑफ 282 था, ये ओबीसी में है तो 281 इसका कट ऑफ था, लेकिन 6 मार्क्स एक्स्ट्रा कट ऑफ से आया तो फाइनली ये रिकमेंड हो गया। अब हम दूसरा कैंडिडेट्स को देखते हैं। दूसरा कैंडिडेट्स इसने क्या है, पेपर वन में जो है ये 115.7 मार्क्स लाया, पेपर टू में 72। ऑब्वियसली ये पेपर वन में ज्यादा लाया और पेपर टू में कम लाया तो इसका भी रिटर्न टोटल 188 हो गया, उसका 187 था इसका 188 है। इसने पर्सनालिटी टेस्ट में 95 लाया, 283 जस्ट वन मार्क्स अबव कट ऑफ मार्क्स।
तो इसका भी सिलेक्शन ये रिकमेंडेड है ये भी। अब कैंडिडेट्स को दिखाते हैं जो रिकमेंड नहीं हुए। अब देखोगे अब तक जो दोनों रिकमेंड हुए पेपर वन में इनका रिकमेंडेड कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन पेपर टू में उन दोनों से कम है। और रिटर्न भी टोटल ये उन दोनों कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं उनसे अधिक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, इंटरव्यू में मार्क्स कम आए हैं, तो टोटल 281 आए। कट ऑफ जो था 282 जनरल, ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, चूंकि ओबीसी का 281 ही था, ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, ही मिस्ड ड्यू टू जस्ट वन मार्क। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि जो वन मार्क्स से रह गया वो कम टैलेंटेड है और जो वन मार्क्स से हो गया वो, इसका आप देखोगे पेपर वन में बहुत ज्यादा है, पेपर टू में ऑब्वियसली रिलेटिवली कम है। यानी कि किसी भी कंपोनेंट में, तीनों कंपोनेंट में इसके एक मार्क एक्स्ट्रा मिल गया हुए होते तो ये फाइनली सेलेक्ट हो गया हुआ होता। ये वन मार्क जो है बहुत गैप क्रिएट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पेपर वन, मेरे जो भी कैंडिडेट्स थे, मैंने जिन कैंडिडेट्स को गाइड किया चाहे रिटन पार्ट में चाहे पर्सनालिटी टेस्ट में, एट एनी स्टेज सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे कैंडिडेट ये में थे जिन्हें मैंने पर्सनली गाइड किया, जिनके मार्क्स मुझे पता है, उसमें इधर हाईएस्ट में से पेपर वन। लेकिन पेपर टू आप देखो बहुत लोएस्ट। स्टिल टोटल रिटेन जो दोनों रिकमेंडेड कैंडिडेट थे और वन इसके पहले जो कैंडिडेट दिखाए जिसके वन मार्क्स से मिस हुए थे, उन सबों से ज्यादा इसका रिटेन का पार्ट में मार्क्स है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में अब तक में इसका सबसे कम है। तो ये 280 आया, ये ओबीसी का कैंडिडेट है, इसने भी वन मार्क्स से मिस किया। अब देखो आप पेपर वन में आपने एक्सलेंट किया, पेपर टू में स्लाइटली बेटर करते या इंटरव्यू में भी स्लाइटली बेटर करते तो आराम से आ जाता, वन मार्क को मायने नहीं रखता है। ये भी रिकमेंड नहीं हुए। एक इस कैंडिडेट का सॉरी एक्चुअली ये पीडीएफ नहीं था, ये स्क्रीनशॉट का था तो इस वजह से ये क्लियर नहीं आ रहा है। ये कैंडिडेट पेपर वन 121.22, पेपर टू 49, टोटल 170। ऑब्वियसली ये मार्क्स रिटन का इसमें कम है, बट आप देखो पेपर वन बहुत अच्छा मार्क्स है, पेपर टू 49। ही इज द ओनली कैंडिडेट लास्ट थ्री इयर्स का, मैं जो भी मैं जिन कैंडिडेट्स को जान रहा हूँ उसमें से ये फर्स्ट ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आया है कि पेपर वन में एक्सीलेंट करने के बाद पेपर टू में कट ऑफ का क्रॉस नहीं कर पाया। यानी कि वन मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए था, 50 चाहिए मिनिमम कट ऑफ पेपर टू में, तो वो नहीं आया, जबकि 166 पेपर वन और टू कंबाइंड कट ऑफ था। इसने पेपर वन का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, कंबाइंड भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन पेपर टू में वन मार्क एक्स्ट्रा चाहिए था वो नहीं ला पाया, तो नॉट क्वालिफाइड इन रिटेन। अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ये जो मार्क्स देखे उसके आधार पे आप देखोगे कि, और जैसे मैंने बताया कि जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो 113 हाईएस्ट जो 2018 का था, 2018 का, और लोएस्ट जो 68। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का जो भी है वो 80 और 100 के बीच में मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं। 80 से कम भी बहुत कम कैंडिडेट को आया जिसने बहुत खराब परफॉर्म किया, और 100 प्लस भी उनको आया जो उन्होंने एक्सेलेंट परफॉर्म किया। तो कहीं भी आप 2215 कैंडिडेट्स का रिटर्न में रिजल्ट आया है, आप नहीं जानते हो कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो जो भी रिटर्न इस बार क्वालिफाई हो 2019 के, तो जब आपको पता ही नहीं है कि किसके कितने मार्क्स हैं, आप
बेस्ट अपना दो, आप पॉजिटिव रखो कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा का गैप होता है। आप जहां भी हो, आप यदि इंटरव्यू रिटर्न में अच्छा कर चुके हो, एक्सेलेंट भी कर चुके हो, तो आपके पास चांस है कि इंटरव्यू में एक्सेलेंट करते हो तो आपके रैंक बहुत अच्छे होंगे। यदि स्टिल रिटर्न में कम मार्क्स आया है, फिर भी आपके पास होप है कि आप बेटर कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि अब फिलहाल जो सीरियस जो भी कैंडिडेट्स हो, दोनों चीजों पे फोकस करना है, एक तो फिजिकल वाले पार्ट में और दूसरा इंटरव्यू वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको कहीं भी लगता है कि हमारा फिजिकल वीक है, तो आप उसको अभी से ही कोशिश करें। मेडिकल में जनरली आपको जो भी है, यदि ओवरवेट लग रहा है, तो मैंने पहले ही वाले वीडियो में ही बताया जिस अनुसार कि आपको ऐसा खाना खाना है जो वजन जिससे ना बढ़े, इनफैक्ट लाइट जैसे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स ज्यादा लो, कार्बोहाइड्रेट्स वाले फ्रूट कम लो, जो भी जिसको इशू है उस पार्ट पे ध्यान दें। तो अब जो भी ये आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ ये नहीं है कि आप वो फराटेदार इंग्लिश और ये वो की क्लासेस ये करना, ये है कि जो DAF है और उसमें जो भी कंटेंट अभी भी आपका डेट है, जिसने भर दिया है वो आप फिर से उसको देखें, वो वहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है उसको रेक्टिफाई करें, उसमें इम्प्रूव करें, और जो चीजें आप वहाँ लिखते हैं उसके बारे में आप तैयारी करते रहें, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहें, खास करके एडिटोरियल। UPSC में जनरली जो ये होगा वो बहुत सारी चीजें समझ की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस। तो कोई भी सिचुएशंस दिया गया है उससे संबंधित आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा, तो बेटर है वो डेली न्यूज का एनालिसिस आप देखते रहें क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स भी उससे अवेयर होगा, और आप नेक्स्ट एग्जाम या जो भी है उसको भी देंगे। जब तक फाइनल लिस्ट में आप नाम अपना नहीं देख लेते हैं, और फाइनल लिस्ट में भी देखने का मतलब ये नहीं है कि आप यही से सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, आपके पास लाइफ में और टारगेट है, तो आप न्यूज़पेपर से डेली अवेयर रहें और एडिटोरियल प्रॉपर तरीका से पढ़ें। फिर है मेक नोट ऑन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ करेंट इम्पॉर्टेंस एंड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बेसिक कर लीजिए, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो दोनों के बारे में उस चीज को ये देखेंगे। और क्योंकि आप भले ही बहुत बार क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन पहले कर चुके हैं, अब उस फील्ड से आप हट चुके हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं कोई, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप 3-4-5 ईयर्स पहले ग्रेजुएशन कर चुके हो, या तो उस ज्यादा टच में नहीं हो उस सब्जेक्ट से, बट स्टिल आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक्स देखने होंगे जिसमें आपका मेन कोर ग्रेजुएशन था। फिर यह है वर्क ऑन SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी पर्सन का इंटरनल पार्ट होता है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है एक्सटर्नल। ऐसे हर बंदे के पास अपना एक स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ किसी के पास ये है कि वो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकता है विदाउट डिमोटिवेट हुए, किसी के पास ये है कि वो जो पढ़ता है उसे जल्दी याद हो जाता है, किसी के पास ये सही है कि उसका एनालिटिकल स्किल सही है, किसी के पास ये है कि उसका क्रैमिंग स्किल्स अच्छा है, वो जो भी पढ़ रहा रट ले रहा है। फिर आपके कुछ वीकनेस हैं, आप उस चीज पर वर्क करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसके लिए मैं कमिंग डेज में कुछ दिन बाद ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा SWOT। ये सारे लोगों के लिए फायदा होगा जो 2019 में जिनको इंटरव्यू देना है उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, ये 2020 में देंगे उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ 2019 एंड 2020। इन सेंस कि ऑब्वियसली अभी 19 चल रहा है, तो 19 में जो भी इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट हुए हैं वो, और 20 में जब तक कि आपका इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली जो है हुआ है वो 2020 में ही किसी टाइम होगा, तो आपको उसी अनुसार
ये करंट इंसिडेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसका रफ अभी रिसेंटली आरसीईपी चल रहा है, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, तो आप उस पर उसे उसे जो भी टॉपिक्स हैं उस पर वर्क करना है. उसके बाद बिफोर फाइनली सबमिटिंग योर डीएफ अगेन रीचेक इट, और जहां भी इम्प्रूवमेंट है जो भी उसका डिटेल मैं ऑलरेडी पहले ही बता ही चुका हूँ. अब ये है 2020 में जो दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो फर्स्ट टाइम 2020 में दोगे या फिर ऑलरेडी आप दे चुके हो और कभी वन मार्क्स से मिस हुए, कभी कुछ ये मिस हुए. बहुत बार क्या होता है कि आप अच्छा होने के बावजूद भी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जैसे मैंने खुद देखा है उनको कि उनका दोनों पेपर बैलेंस था, पेपर टू एक्सेलेंट है लेकिन पेपर वन में कोई दो मार्क्स से या किसी से ये रुक गए, अब उनका पेपर टू ही चेक नहीं हुआ. तो एक्चुअली वो जान ही नहीं पाए ना कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल थी. तो अभी भी जो कैंडिडेट्स या तो फर्स्ट अटेम्प्ट दो के या ऑलरेडी मिस कर चुके हो कुछ मार्क्स से, उनके लिए ये है कि अभी आपका जो एग्जाम है आज से अभी आपके पास 9 मंथ्स है, यानी कि 9 अगस्त को 2020 को आपका CAPF 2020 का एग्जाम होना है. तो 9 मंथ्स अभी है आपका. अभी नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करना है आप, यानी कि 6 मंथ 8th मई 2020 तक टू फ्रंट्स पे आपको वर्क करो. पहला है कि क्लियर योर बेसिक्स. क्लियर योर बेसिक्स का मतलब ये है कि जो भी चीजें है कोर कंसेप्ट, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कोर हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें कुछ बेसिक्स हैं वो, और कुछ करेंट अफेयर्स होते हैं. तो करेंट अफेयर्स अभी चेंजेज होगा इन द सेंस कि बहुत सारा जनरली जो करेंट अफेयर्स है लास्ट के 6 मंथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें कोर पे ज्यादा प्रैक्टिस करो. फिर राइटिंग का प्रैक्टिस, जैसे जिनका पेपर टू खराब है वो राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से ही करते रहो. SWOT एनालिसिस ऑब्वियसली मैंने बताया कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड इम्प्रूव दोज एरियाज, जिनका भी जो सब्जेक्ट पुअर है चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू. पेपर वन में भी क्या आपका वीक है, मान के चलो किसी का हिस्ट्री वीक है तो आप हिस्ट्री पे वर्क करो, ज्योग्राफी वीक है तो ज्योग्राफी पे वर्क करो, पॉलिटी वीक है पॉलिटी पे वर्क करो. पेपर टू में यदि इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो उस पर वर्क करना है. यदि आपका ग्रामर वीक है तो ग्रामर पे आपको वर्क करना है. नेक्स्ट है रीड एनसीईआरटी मैंडेटरली एज मेनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली टेकन एज वर्बेटिम, यानी हूबहू आपका बहुत सारा एनसीईआरटी से लाइन, साइंस में आप देख लो, हिस्ट्री वगैरह में देख लो, कुछ चीजें जो एनसीईआरटी का है वो जैसे का तैसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, वहां क्वेश्चंस बना देते हैं उससे. तो आपको एनसीईआरटी अभी प्रॉपर पढ़ना है. क्लास 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 इयर्स का कौन कौन सारे, हिस्ट्री को पढ़ना है 9th से 12th तक, ज्योग्राफी को 9th से 12th तक पढ़ना है, जो पॉलिटी है वो पढ़ना है. पॉलिटी में मेनली 11th और 12th वाले आपको देखने होंगे. फिर आपके इकोनॉमिक्स में भी 9th से 12th तक, 12th में 2 बुक है तो आपको जनरली मेनली माइक्रो वाला पढ़ना है. और साइंस का आप बेटर है 9th, 10th का कर लो, और 12th वगैरह के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ये करना होगा. नेक्स्ट है अपीयर इन टेस्ट इफ पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड, वी विल कंडक्ट टेस्ट एज लास्ट ईयर इन 2019 आल्सो एंड 2018 आल्सो वी कंडक्टेड टेस्ट. टेस्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd of December 2019. उसके लिए जो भी है हर संडे टेस्ट चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 20 टेस्ट के आसपास होंगे. और लास्ट टाइम जो यानी 2019 वाला जो है हमने 19 टेस्ट कराया, 19 टेस्ट पेपर वन और पेपर वन के 19 और पेपर टू के 19. 2018 में हमने 20 टेस्ट कराए थे, पेपर वन के 20 और पेपर टू के 20. इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पेपर वन का हम 20 के आसपास कराएंगे, पेपर टू का हम थोड़ा कम कराएंगे, लेकिन प्रॉपर उस पर फोकस ये रहेगा.
तो उसके डिटेल सॉल्यूशंस वगैरह भी दोनों दिए जाएंगे, और बीच बीच में जो भी है टेस्ट स्टार्ट होगा उसके पहले ही कुछ चीजें जैसे एसे, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर एंड अगेंस्ट, ये सब के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर देंगे, उसके वीडियो बना देंगे कि ये है कुछ टॉपिक्स आपको किस ढंग से अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है। जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, बहुत बार ये शिकायत, जैसे मैंने एक कैंडिडेट का दिखाया कि पेपर टू में 49 मार्क्स लाया, इन स्पाइट ऑफ पेपर वन में बहुत अच्छा 121.22 लाने के बावजूद पेपर टू में 1 मार्क्स से रह गया, क्योंकि उसका इंग्लिश बहुत पुअर था। जिसका भी इंग्लिश पुअर है तो आप अभी से वर्क करो, स्टार्ट करो टेंस से। टेंस वो जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा टेंशन देता है, तो उस टेंस से स्टार्ट करो। आई स्टडी, आई रीड, बहुत बार डिफरेंस मैंने खुद क्लासेस में देखा हुआ है, आई रीड और आई एम रीडिंग, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप स्मॉल से स्टार्ट करो टेंस से, और वहां से सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट करो। आई एम रीडिंग और आई हैव बीन रीडिंग, देर इज अ डिफरेंस। तो जिनका भी ये पुअर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जिनका बहुत अच्छा है वो प्लीज डोंट माइंड। उसके बाद यदि आप टेंस पे कमांड हो रहा तो एटलीस्ट आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं समझ के साथ। कोई एक बेसिक ग्रामर का बुक ले लो, वो उस इसके बारे में मैं इंग्लिश वाला भी अलग से वीडियो बना दूंगा ये करके। और डिटेल 2020 के लिए मैं कुछ दिन बाद ये स्पेशल प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद भी आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी अनुसार जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स होगा हम उस अनुसार से जो भी है वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कमेंट।